क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने। ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। इसमें क्या कह रहा है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। रियल नंबर्स का हमें डेसिमल एक्सपेंशन नीचे दे रखा है, ठीक है, 1 से लेके 3rd तक। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। सभी केसेस में, तो केसेस में हमें पता लगाना है कि कौन सा रैशनल है और कौन सा नहीं है। इफ दे आर रैशनल, अगर इनमें से कोई सा भी रैशनल है, एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, और हम रैशनल जो भी होगा उसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हमें बताना है व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू। तो क्यू जो है डिनोमिनेटर में पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे, तो क्यू जो होगा डिनोमिनेटर वो किस फॉर्म में होगा, ठीक है, क्यू के बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो फर्स्ट से शुरू करते थे, ये क्या है 4, 3.12345678 9, मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ रहा है, टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो जिस टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो क्या होता है, रैशनल, तो हम कह सकते हैं कि ये रैशनल है, और रैशनल क्या होगा ये, सो इट इज रैशनल, और रैशनल जो होता है वो होता है पी बाई क्यू की फॉर्म में, तो इसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखना नहीं, हमें सिर्फ बताना है क्यू किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो फॉर क्यू के लिए हम क्या कह सकते हैं, फॉर क्यू वी कैन से दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n मल्टीप्लाई में 5 की पावर m। थ्योरम 1.5, 1.6 और 1.7 के अकॉर्डिंग जब भी q कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, तो q किस फॉर्म में होता है, 2 की पावर n मल्टीप्लाई में 5 की पावर m की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग, ये एक रैशनल नंबर है जिसे हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और q कैसा होगा, q किस फॉर्म में होगा, 2 की पावर n मल्टीप्लाई में 5 की पावर m की फॉर्म में होगा, हमें यही बताना है, ठीक है। इसी तरह से सेकंड को देखते हैं, 0.120111, मतलब ये क्या डॉट 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 लगा है, तो ये क्या है, इरेशनल, ठीक है, हमें सिर्फ ये हो गया हमारा सेकंड जो है इरेशनल, हमें सिर्फ किसका बताना है, रैशनल नंबर्स का बताना है, तो इसका तो हमें कुछ बताना ही नहीं होगा, पी वाई क्यू की फॉर्म में इसे हम लिख नहीं सकते हैं, तो इसके लिए हमें नहीं बताना है। अब आते हैं थर्ड पर, थर्ड है 43.12345678 9 के ऊपर लगा है बार, ठीक है, तो जिस पे बार लगा होता है वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो होता है वो होता है रैशनल, ठीक है। तो थर्ड हमारा है रैशनल, तो हम इसको भी पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और क्यू क्या होगा हमारा, ठीक है, रैशनल जो होगा उसे लिखेंगे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में, और क्यू के लिए हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n मल्टीप्लाई में 5 की पावर m। अगर हमारा डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग आता है, तो इसका मतलब क्या है कि जो क्यू है वो 2 की पावर n मल्टीप्लाई में 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है, इस फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है, 2 या 5 के अलावा क्यू के और कोई फैक्टर्स होंगे, 2 और 5 नहीं होंगे, या 2 और 5 के अलावा और कोई भी फैक्टर हो सकता है।